पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ रिग्रेशन का फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था, मतलब हमने फोर्थ मेथड स्टडी किया था। फोर्थ मेथड अपना क्या था, फ्रॉम लिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। लिग्नार्ड रिएजेंट से हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना था, तो लिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो उसका जो पहला पॉइंट है रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, ठीक है। तो पहले पॉइंट ये आते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने लिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवा दी थी, और रिएक्शन करवाने के बाद हमें अल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर हो चुका था, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एस्टर, ठीक है। दो कंपाउंड तो रिएक्ट हो चुके, एल्डिहाइड और कीटोन, RMGX से रिएक्शन कर चुका था और हमें वहाँ पे अल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर हो गया था। अब हमने जो रिएक्शन करनी है वो करनी है एस्टर की, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन एस्टर रिएक्ट विद लिग्नार्ड रिएजेंट, तो भाई लिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एस्टर से करवानी है और हमें क्या करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो देखो भाई हम बात कर रहे हैं रिएक्शन और रिएक्शन विद एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन। तो देखो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फ्रॉम एस्टर कह सकते हो, फ्रॉम एस्टर क्या फॉर्मूला होगा, आर कार्बोनेट ओ आर डैश, दिस इज द एस्टर। तो देखो ये एस्टर मीन कैसे क्या रिएक्शन होगी, एक एस्टर कंपाउंड रिएक्ट विद लिग्नार्ड रिएजेंट, ये एस्टर कंपाउंड है, इसके रिएक्शन किसे कराओगे, लिग्नार्ड रिएजेंट। क्या फॉर्मूला होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे आर और आर डैश पहले से आ चुका, तो क्या करो यहाँ पे लिग्नार्ड रिएजेंट में हम आर डबल डैश लेके चलेंगे, मतलब यहाँ पे एल्काइल होगा ना, एल्काइल को रिप्रेजेंट करोगे आर डबल डैश से, तो दिस इज लिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा ये रिएक्शन किस रिप्रेजेंट होती है, पहले बता दिया होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर लिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए तो वहां पे हम जो कैटलिस्ट लेके चलते हैं वो हमेशा क्या लेके चलोगे, ड्राई ईथर। तो ये जो रिएक्शन होगी ये किस रिप्रेजेंट होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा बता दो। देखो एस्टर में ये अपना कार्बोनाइल ग्रुप है, तो क्या करोगे कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक आउट कर दो एड कर वन इनटू सिंगल बॉन्ड। हमें पता है ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो जैसे बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो भाई ऑक्सीजन पे तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन गया, और कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बोनाइल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अच्छा अब आ जाओ भाई लिग्नार्ड रिएजेंट पे, लिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के हैं, मैग्नीशियम ये मेटल, अब मेटल है तो क्या करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो वैसे तो एक पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, बट यहाँ पे जब एक बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। तो भाई जो एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट कर दो, ब्रेक आउट करोगे किस टाइप से ब्रेक आउट करोगे, एल्काइल पे तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई ये जो अपना एल्काइल था आर डबल डैश था ये तो कार्बोकैटायन पे कनेक्ट होगा, आर डबल डैश को कार्बोकैटायन पे एडिशन करवा दो, और ये जो मैग्नीशियम हैलाइड है जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा ऑक्सीजन के नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद क्या बनता है देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से करो स्टार्ट, क्या आएगा आ सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन है डबल बॉन्ड था अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो ये कहाँ पे कनेक्ट हो गई, MgH पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो भाई इससे क्या कनेक्ट है MgH, सही है, ओके। यहाँ पे आ दो ओ आर डैश एल्कोक्सी ग्रुप लगा है। अच्छा अब ये जो आर डबल डैश
निकालने में आपको होगा कार्बन के टाइम पे, तो मैं यहाँ पे लगा दो R डबल बेस, सही है। तो दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट विद वॉटर, ये किसे रिएक्शन करेगा, वॉटर से रिएक्शन करेगा। अब वॉटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। अब मैग्नीशियम क्या है, मेटल, तो जैसे बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं और भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। किस बॉन्ड को ब्रेक आउट कर दो, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और वे मैग्नीशियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सही है। अच्छा अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वाटर के अंदर से, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट होगा, एम जी प्लस पे। और भाई ये जो अपना एच प्लस है, ये एच प्लस कहाँ पे कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पे, सही है। एच प्लस ऑक्सीजन पे कनेक्ट कर दो और भाई जो हाइड्रोक्सी है मैग्नीशियम पे कनेक्ट होगा, और क्या बात होता है भाई, ये कंप्लीट लेके चलो क्या आएगा, आर कार्बन आर डबल एस ओ आर डैश, सही है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कनेक्ट विद एच, तो यहाँ पे आ गया एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अच्छा साथ में क्या था भाई, ये ओ एस था, ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम पे, तो एम जी ओ एच और एक्स, ये पार्ट तो क्या हो गया रिलेट हो गया, तो ये कंपाउंड यहाँ पे ऑक्टेन हो रहा है। तो ये देखा जाए कि कंप्लीट एल्कोहल नहीं हो रहा, कंप्लीट एल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर क्या है एल्कोक्सी ग्रुप भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये दोबारा से रिएक्शन करेगा कैसे, देखो कितना समय आ गया, ये अपना जो एस्टर है, एस्टर की रिएक्शन रेनर रिएजेंट से कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब इंटरमीडिएट की रिएक्शन वाटर से करा दो, वाटर मीन्स हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे टेक प्लेस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, एक ये कंपाउंड प्रिपेयर हो गया जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मैग्नीशियम वाला पार्ट था वो इस रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये दोबारा से रिएक्शन करते हैं, आर कार्बन ओ एच ओ आर डैश, और भाई यहाँ पे क्या आ गया आर डबल एस, ओके। दिस कंपाउंड रिएक्ट किसे रिएक्शन करेगा भाई, इसकी रिएक्शन करो दो हाइड्रोजन से, मतलब टेकिंग रिडक्शन, रिडक्शन कराओगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन मींस टेकिंग रिडक्शन इन प्रोसेस को, इसकी प्रोसेस में रिएक्शन करा तो भाई पीछे पड़ा, पीछे जो हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्या कर रहा था, कुछ सिंपल एजेंट लेके चले थे और साथ में क्या लेके चले थे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर निकल प्लेटिनम, ये सब कुछ लेके चले थे। तो देखो अब रिडक्शन करवा रहे हो तो भाई यहाँ पे हमने मान लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर क्या लेके चलो निकल प्लेटिनम या आयरन, ठीक है, इसकी परचेज में कराओगे। तो देखो भाई सीधी सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू एज कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या है कार्बन पे टेन फॉर्म हो रहे, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो कार्बन पे टेन यहाँ पे फॉर्म कर रहे, सही है। एच टू था, एच टू को ब्रेक आउट कर दो एच टू को एंड हाइड्राइड आइंस एच प्लस की फॉर्म में ब्रेक आउट कर दिया और साथ में क्या आ गई, दिस इज हाइड्राइड आयन, इस फॉर्म में ब्रेक आउट कर दो। तो देख भाई ये जो अपना एच प्लस होगा ये एच प्लस को कार्बन कनेक्ट करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव पे, और ये जो अपना हाइड्राइड आयन होगा ये कनेक्ट होगा किस पे कार्बोकैटायन, सही है। एच प्लस तो आर डैस ओ पे मतलब ओ आर पे आ गया एल्कोक्सी पे कनेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन में कनेक्ट हो गया, और ये जो हाइड्राइड आइंस है ये कार्बन के टेंपरेचर में हो गए, तो पहले ये क्यों क्या आ रहे हैं बताओ, रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा, क्या बनेगा, आर
कार्बन आर डबल एस ओ एच सही है, और कार्बन का टाइम पे क्या आ गया, कार्बन का टाइम पे आ गया दिस इज एच नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दो एच प्लस में आर डैश ओ था इस पे कनेक्ट हो गया एच प्लस, तो ये बन गया आर डैश ओ एच ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के अल्कोहल आ गए, ये जो अल्कोहल कंपाउंड है किस टाइप का अल्कोहल है देखो, ये तो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं अल्फा कार्बन, तो दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है दो से, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया प्लस में प्राइमरी अल्कोहल भी यहाँ पे प्रिंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के अल्कोहल मिल गए प्राइमरी अल्कोहल और साथ में सेकेंडरी अल्कोहल ओके समझ आ गया। तो ये थी रिएक्शन विद कीटो ना सॉरी रिएक्शन विद एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे दो टाइप के अल्कोहल मिल गए सेकेंडरी और प्राइमरी ओके। चलो ये समझ आ गया, तो अपना फोर्थ मेथड कंप्लीट हो गया, नहीं एक पार्ट होता है फोर्थ मेथड का, ए पार्ट कंप्लीट हुआ है फोर्थ मेथड का, ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसका बी पॉइंट जो बी पार्ट है वो स्टडी करते हैं। तो देखो भाई बी पार्ट क्या होगा वो देखते हैं, अब देखो फोर्थ मेथड का बी पॉइंट क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एथिलीन ऑक्साइड ठीक है। ये जो अपना रिग्नार्ड रिएजेंट है ना RMGS, इसकी रिएक्शन किसे कराओगे, इथाइलिन ऑक्साइड या तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से करवानी है, तो रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलते हैं अल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। तो देखो किस टाइप से करवाने हैं, इथाइलिन ऑक्साइड CH2 कनेक्ट विद ऑक्सीजन, ये एक टाइप है साइक्लो इथर ठीक है, साइक्लो इथर कहते हैं इसको, रिएक्ट विद किसे रिएक्शन करना हो गई RMGX, दिस इज ऑक्सीजन या कहते हो इथाइलिन ऑक्साइड, ये अपना क्या है रिग्नार्ड रिएजेंट सही है। अब RMGX यहाँ पे आ रहा है तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे ड्राइथर, तो ड्राइथर की प्रेजेंस में करो तो रिएक्शन, तो क्या है ड्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो देखो CH2 ऑक्सीजन, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर ले लो यहाँ पर ले लो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करो कोई भी एक केमिकल बॉन्ड ब्रेकआउट कर लो, मान लो हमने ये केमिकल बॉन्ड ब्रेकआउट किया तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, तो जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे कार्बन के टाइप बॉन्ड कर रहे और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा ऑक्सीजन पे ठीक है। अच्छा रिग्नार्ड रिएजेंट पे देखो मैं नीचे नीचे मेटल देन इट हैव पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो एल्केन पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव कह सकते हो और यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सही है, पार्शियली फॉर्मूला तो ये से भी पार्शियली फॉर्मूला के चलोगे ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो अपना एल्केन होगा ये एल्केन देखो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्ज रिपेल होते हैं, तो ये जो अपना एल्केन है इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, ये कार्बन एडिशन करेगा कार्बन के टाइम पे एडिशन करेगा और भाई MgX प्लस है ये कार्बन एडिशन कर देगा ऑक्सीजन में ओके क्या बढ़ेगा देखो यहाँ से स्टार्ट करना, तो CH2 प्लस था ये कार्बन के टाइम कार्बन कनेक्ट हो रहा है सीधा आर में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आर, तो क्या भाई दिस इज आर, आर आ गया आर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे ये बॉन्ड तो ब्रेक आउट हो चुका, तो आर कनेक्ट विद CH2 कनेक्ट विद CH2 कनेक्ट विद ऑक्सीजन और ये कनेक्ट हो गया किसे MgX से, तो देखो आर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ओ MgX एडिशनल कंपाउंड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की रिएक्शन किसे कराओगे वाटर से, मींस टेकिंग हाइड्रोलाइसिस,
हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराओ तो देखो क्या बनेगा, वाटर डिसोसिएट हो गया H प्लस एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, H प्लस एंड OH नेप्टून में डिसोसिएट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, मैग्नीशियम से पेटल, देन इट गिव ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज डबल हो रहे हैं और वे ऑक्सीजन पे क्या रहे नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो प्रोटॉन होगा उसी का कार्बन कनेक्ट होगा था, ये जो H+ था इसी का कहां पे आ रहा है ऑक्सीजन में, और वही OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां पे आ गया मैग्नीशियम पे, और क्या बना था भाई क्या कंफर्म बनेगा R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 O O पे क्या आ गया H तो ये बन गया हेलो प्लस में MgX कनेक्ट विद OH Mg OH और साथ में मैं बनाना चाहता हूं कौन तो बनाना था तो कौन से टाइप हो रहे दिस इज प्राइमरी ये अपना प्राइमरी अल्कोहल ओपनिंग हो रहे हैं ठीक है प्राइमरी अल्कोहल क्या से ओपनिंग होता है तो हमने रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर करा है दो रिएक्शन से करोगे दोनों रिएक्शन जब की ओके समझ आ गया तो ये था अपना फोर्थ मेथड। अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की तो देखो फिफ्थ मेथड क्या है फिफ्थ मेथड है फ्रॉम अल्कीन अल्कीन से अल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं तो अल्कीन से भी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है तो देखते हैं हाँ भैया तो अपना फिफ्थ मेथड आता है फोर्थ तो हमने कंप्लीट कर ही लिया फिफ्थ मेथड देखो भाई फ्रॉम अल्कीन अल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पे तीन टाइप आएंगे तीन मेथड आते हैं तो कौन कौन से तीन मेथड आए मतलब कौन कौन से तीन केमिकल रिएक्शन आती है वो देखो जो पहली केमिकल रिएक्शन है वो है भाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब से दूसरी बात ये है कि पहली टाइप के रिएक्शन में हमें अल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन परसेंट ऑफ या फिर कह दो विद एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन मतलब जो पहले टाइप के रिएक्शन है इसमें अल्कीन का हाइड्रोलाइसिस तो कराओगे पर यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो एक्ट एज रिएक्टेंट ठीक है यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगे वो सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलेंगे और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा कैटलिस्ट का काम तो करेगा पर इस टाइम में क्या होगा एक रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है ओके तो पहले रिएक्शन का और हम बता दिया कि जो पहले टाइप की रिएक्शन है जो पहला मेथड है इसमें अल्कीन का हाइड्रोलाइसिस तो करवा रहे बट इन परसेंस ऑफ कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं और साथ साथ एक्ट एज रिएक्टेंट ओके। अच्छा ये करने के बाद दूसरी टाइप की रिएक्शन आती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन ये सिंपल हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं ये एसिड कैटलिस्ट की परसेंस में हो रहा था जबकि ये क्या होगा सिंपल टाइप का हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे अल्कीन कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से करवाओगे इन प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन ठीक है एच प्लस की प्रोसेस में करवाते बस और कुछ नहीं लेके चलते ऐसे प्रोटॉन की फॉर्म में रिएक्शन करवाओगे ठीक है। थर्ड में देखो थर्ड टाइम की जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ठीक है तो ये जो हमने तीन रिएक्शन लिखी है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी आती है थर्ड ओके हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ध्यान से देखना ओके तो ये है जो फिफ्थ मेथड है उसकी टाइप तो देखो पहले टाइप की रिएक्शन हम कर रहे हैं कौन सी भाई बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इसके बारे में स्टडी करेंगे तो देखो किस टाइप से करते हैं में दो केस आएंगे पहला जो केस आएगा वो आता है सिमेट्रिक अल्कीन और जो दूसरा केस आएगा वो आता है अनसिमेट्रिक अल्कीन तो पहले सिमेट्रिक अल्कीन का कांसेप्ट देख लो फिर उसके बाद अनसिमेट्रिक अल्कीन का कांसेप्ट देखते हैं ठीक है तो देखो पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा क्या और सिमेट्रिक
हल्की, ठीक है। सिमेट्रिकल की लेके चलो, सिमेट्रिकल की में देखो, सिमेट्रिकल की क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास कुछ कंपाउंड है, जनरल कंपाउंड ले लिया, ये कुछ कंपाउंड है, ठीक है, अल्किन है, तो फिर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये कार्बन है, लेफ्ट साइड में जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, राइट साइड में, ठीक है। सिमेट्रिक अल्किन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है उसके लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन नंबर सेम होने चाहिए, लेफ्ट साइड में जितने कार्बन है उतने साइड में कार्बन राइट साइड में होना चाहिए, तो दोनों साइड में कार्बन संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्री, ठीक है। अनसिमेट्री की बात करें तो अनसिमेट्री कंपाउंड में क्या होगा कि जो कार्बन नंबर होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो आपस में डिफरेंट होते हैं, सही भाई। तो देखो हम बात करें सिमेट्री की, तो जिसके हमने एग्जाम्पल ले लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, सही है, नाम बताओ इस कंपाउंड का, दिस इज इथीन, इथीन कंपाउंड हो गया, ओके। अच्छा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैटालाइज होगा वो होगा कंसेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक्ट एज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरह भी काम करते हैं, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलोगे एक्ट एज रिएक्टेंट, यहाँ पे लेके चलोगे रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो जैसे हमने यहाँ पे ले दिया सिमेट्रिक अल्किन रिएक्ट विद, किसे रिएक्शन कर लिया भाई, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फॉर्मूला होगा H2SO4। अच्छा H2SO4 को मान लो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिसको लिखो किस फॉर्म में, एच प्लस और भाई H SO4-, सही है। इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो इसको कर लो दिस इज OH SO3-, बात हो गई है, H2SO4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है H प्लस और भाई OH SO3-, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, H2SO4, सही है। अच्छा यहाँ पे देखा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो कन्वर्ट कर दो किसी में, सिंगल बॉन्ड में, तो एक बॉन्ड पे कन्वर्ट करोगे तो एक कार्बन पे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सिमेट्रिक है, किसी साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हो, अनसिमेट्रिक होता हो तो फिर मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करते हैं, ओके भाई। तो देखो ये जो अपना प्रॉब्लम होगा वो सीधा कार्बन कनेक्ट होगा कार्बन नेगेटिव पे, और ये जो कंप्लीट पार्ट है एनालिक पार्ट है वो कार्बन कटायन पे कनेक्ट होता है, सही है। ये पार्ट तो कार्बन कटायन पे कनेक्ट हो गया और ये प्रोटोन कार्बन कनेक्ट हो गया कार्बन एंड पे, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, तो क्या बन जाएगा CH3, लिखो दिस इज CH3, सही है, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस कंप्लीट पे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो भाई दिस इज OH SO3, सही है, ये कंपाउंड यहाँ पे आ चुका है, एस प्लस की फॉर्म में कर सकता हूँ, देखो आगे करो इसको क्या करो भाई, हमें क्या करना था, हाइड्रोलाइसिस करवाना था, हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन, तो अभी ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं इसके रिएक्शन किसे करा दोगे, वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो गए किसमें, ये डिसोसिएट हो गए किसमें एच प्लस और साथ में OH नेगेटिव, सही है। अच्छा अब देखो मान लो हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक आउट करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो क्या आएगा, किसको थोड़ा सा तरह सही है, बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड ब्रेक आउट किया तो यहाँ पे आ गए नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गए पॉजिटिव, इट फॉर्म द कार्बन कैटायन, अब जहाँ पे कार्बन कैटायन है वहाँ पे तो OH नेगेटिव सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, कार्बन कैटायन भी OH नेगेटिव कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जो कंप्लीट पार्ट था इस पे एच प्लस दोबारा से रिसेप्ट कर जाएगा, प्रोटॉन तो इस कंप्लीट पे अटैक कर जाएगा और OH नेगेटिव कार्बन कनेक्ट हो गया कार्बन कैटायन,
कॉमन क्या आएगा सी एच थ्री सी एच टू साथ में OH एल्कोहल कंपाउंड आ चुका प्लस में एच एसओ फोर नेगेटिव है एक प्रोटॉन हो रहा है तो क्या बनेगा एच टू एसओ सही है कैटालिटिक डेफिनेशन पढ़ी थी ना दो टाइप की डेफिनेशन आती है ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट की डेफिनेशन आ रही है वो कौन सी आ रही है कौन सी अप्लाई करोगे न्यू डेफिनेशन तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो H2SO4 है एक्ट एज कैटालिस्ट ओके पढ़ा हुआ तो भाई जो हमने कंसंट्रेट H2SO4 स्टार्टिंग में लिया था वो लास्ट में एलिमिनेट हो जाता है ठीक है तो H2SO4 तो बाहर निकल गया मेन कंपाउंड क्या बन गया एल्कोहल तो इट गिव द इथाइल एल्कोहल इसका नाम क्या भाई दिस इज इथाइल एल्कोहल सही है और साथ में क्या आ गया कंसंट्रेट H2SO4 ठीक है तो ये रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म होती है करोगे अब दूसरा देखो फॉर अनसिमेट्रिक फॉर अनसिमेट्रिक अल्किन अनसिमेट्रिक अल्किन देखना भाई अनसिमेट्रिक अल्किन में दो रूल आते हैं एक तो मार्गोनिक रूल आते हैं दूसरा एंटी मार्गोनिक रूल आते हैं ठीक है कब मार्गोनिक रूल लगाओगे कब एंटी मार्गोनिक रूल लगाएंगे मतलब तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे तो अगली जो रिएक्शन होगी वो मार्गोनिक और एंटी मार्गोनिक रूल पे डिपेंड है तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं थैंक यू